10 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई थी। उस वारदात में आज एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जिला पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तेईस जुलाई को सीकर शहर के घंटाघर के पास स्थित श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन करने गए व्यापारी की बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़ कर गाड़ी में रखे 10 लाख रुपये 26,000 रुपये से भरा बैग लूटने का मामला अंतर्राज्यीय गैंग द्वारा दिया गया था वारदात को अंजाम। मामले में सीकर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वारदात में शामिल 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार 4 आरोपी कर्नाटक राज्य के निवासी है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई थी दर्ज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपी आए पुलिस की पकड़ में। गैंग द्वारा अब तक करीब 4-5 राज्य में ऐसी वारदातों को दिया जा चुका है अंजाम। वारदात के दौरान काम में ली गई बाइक और लूटी गई राशि की बरामदगी करने हेतु गिरफ्तार 4 आरोपियों से की जा रही है कड़ी पूछताछ। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रीय दीप ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। और देखिए, कोतवाली क्षेत्र में जो 10 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई थी, उस वारदात में आज एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जिला पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग जो है मौके पर उस दिन घटना में शामिल थे। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है, अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो राजस्थान के अलावा भी आसपास के कई राज्यों में वारदातें लगातार कर रहे हैं। अपने पड़ोसी जिलों में भी इनके द्वारा वारदात की गई, जिसकी जानकारी इंटरोगेशन से इनके माध्यम से हमें प्राप्त हुई। इस प्रक्रिया में और भी कुछ लोगों के शामिल होने की जानकारी हमारे पास में आई है, जो प्रथम इंटरोगेशन में सामने आ रहा है। उन लोगों के लिए हमारी टीम जो है अलग अलग राज्यों में समय गई हुई है। हमारी कोशिश चल रही है कि जितनी रकम इनके द्वारा लूटी गई है वो रकम जल्दी से जल्दी बरामद। सर, राशि बिल्कुल भी बरामद नहीं है कुछ? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, गिरफ्तारी के बाद हम ये राशि बरामद की कार्रवाई जो है वो करेंगे और आपको लगातार बता देंगे।